तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब हेलो एंड वेलकम टू बॉलीगार्ड स्टूडियोज। दोस्तों, आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के स्टार कास्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन ब्रह्मास्त्र का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। हाल में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की टीम हैदराबाद में प्रमोशन के लिए पहुंची, जहां रणबीर आलिया के साथ जूनियर NTR और SS राजा मौली भी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आए। अब 2 सितंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में ब्रह्मास्त्र का प्री रिलीज स्क्रीन रखी थी, जिसे अटेंड करने के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और मेकर्स के साथ प्रोड्यूसर करण जौहर भी पहुंचे थे। इस दौरान स्पेशल गेस्ट के तौर पर जूनियर NTR और डायरेक्टर SS राजा मौली भी शिरकत की, लेकिन अंतिम समय में इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया और फिल्म की स्क्रीनिंग की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस इवेंट को कैंसिल करने का सबसे बड़ा रीजन था पुलिस द्वारा उठाई गई चिंता। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर लोग गणेश चतुर्थी के सुरक्षा में बिजी हैं। वहीं इवेंट के लिए जूनियर NTR के फैंस की भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाली थी और कम सुरक्षा बल होने पर फैंस की भीड़ को रोक पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल था। सिर्फ यही नहीं, कहा जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के अलावा प्रभास की फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्री रिलीज इवेंट कैंसिल होने का मेन रीजन है। दरअसल पुलिस ने ब्रह्मास्त्र की कास्ट को उदाहरण देते हुए बताया कि प्रभास की फिल्म साहू और राधे श्याम के दौरान भी इसी तरह से अनियंत्रण भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके कारण NH-65 पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया था। दोस्तों, साउथ के एक्टर्स की पॉपुलैरिटी तो हम सभी जानते हैं और इनकी फिल्में जब रिलीज हुई हैं बैक टू बैक, बाहुबली, साहो, राधे श्याम या फिर RRR की बात कर ले, तो ऐसे में इन फिल्मों की वजह से इन एक्टर्स की फैन फॉलोइंग में और इजाफा हुआ है और फैंस इनको और दिल से चाहने लगे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो जूनियर NTR और SS राजा मौली ने तेलुगु ऑडियंस के लिए फिल्म का प्रमोशन किया। ये रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की पैन इंडिया रिलीज फिल्म है, जिसे हिंदी और तेलुगु के अलावा मेकर्स तमिल, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज करेंगे। दोस्तों, फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड भी हुआ था बीच में, हम सभी जानते हैं। बायकॉट ट्रेंड के बीच जहां लगातार बॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो रही है, तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र इस वक्त काफी दबाव में है। इस फिल्म को भी इंटरनेट पर लोग टारगेट कर रहे हैं। इस मुद्दे के बीच फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह गिरने पर तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR ने अपनी बयानों से लोगों का दिल जीत लिया। जूनियर NTR ने ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के बीच कहा, हम दबाव में अच्छा काम करते हैं, दबाव अच्छा है, इस वक्त इंडस्ट्री को ये चुनौती स्वीकार करने की जरूरत है और अच्छी और बेहतरीन फिल्में दर्शकों के लिए बनानी चाहिए। वेल दोस्तों, देखा जाए तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफी अच्छे हैं। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इन आंकड़ों का क्या मतलब निकलकर सामने आता है, फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करती है। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज़।